मोहित, तुमने राघव को कहीं देखा क्या? पता नहीं यार कहाँ गया है, मेरी भी उससे 2 दिन से बात नहीं हुई है, ना मेरा फोन उठा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मिले तो प्लीज उसे बोलना मुझसे ही बात करेगा। हाँ हाँ राघव चलना, प्रीति है तो सही तरह खर्चा उठाने के लिए। तो प्लीज तू अपने उस चीफ से बॉयफ्रेंड को साथ मत लेके आइए। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के, तू ही सफर है आखिरी। थे तुम इतने दिन से, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? प्रीति तुम चली आओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी और इंसल्ट हो, और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ यार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सही कह रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, अब हम साथ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ दिलवा पाता हूँ, ना कहीं घुमाने ले जा पाता हूँ, और ना कुछ। तुम मेरी वजह से अपने खुशियां सैक्रिफाइस मत करो, प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से, और हो सके तो मुझे भूल जाओ। पागल हो तुम? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कहीं घुमाने ले चलो? और पागल, मेरी सबसे बड़ी खुशी तो तुम हो। अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। छेड़ना भी होया इनकार नहीं करूंगी, ये गल वखरी के फिर प्यार नहीं करूंगी। साफ सत्ता दस दई जे मन भर गया मेरे तो यारी तालामी, जे निभूगी तेरे तो सांब भी नहीं होना। राघव मेरे भाई, वो जो तूने इंटरव्यू दिया था ना उसमें तू सिलेक्ट हो गया है और तेरी जॉब पक्की हो गई है। ये देख तेरा जॉइनिंग लेटर।